नई कार ले आपने? मैंने भी लास्ट मंथ ही खरीदी है नई। और बिट्टू का एडमिशन कहाँ करवाया आपने? दिल्ली यूनिवर्सिटी में। बहुत बढ़िया, मैंने तो अपने बंटी का एडमिशन लंदन यूनिवर्सिटी में करवाया है। लगता है आपने पेंट करवाया अभी भी घर में। मैंने तो पेंट ही नहीं करवाया इस बार घर में, क्योंकि नए घर में जो शिफ्ट हो रहे हैं नया घर ही खरीद लिया। क्या पेंट करवाते रहो। अच्छा बेटा, घर वापस आ गई तुम? छुट्टियाँ मनाने आई हो? अच्छा, अब वो तुम्हें कल बाइक से छोड़ने आया था एक लड़का, बॉयफ्रेंड था क्या? अच्छा, दोस्त था। नहीं, मुझे लगा बॉयफ्रेंड था, आजकल की लड़कियों के होते हैं ना इसलिए। वैसे बेटा रात के 11 बज रहे थे उस टाइम, बड़ा लेट आई तुम दोस्त के साथ। वहाँ पे भी तुम ऐसे ही आती थी क्या? क्या कहा? ये आपकी बेटी है? इतनी सी हुआ करती थी, इतनी बड़ी हो गई है? अरे बेटा, तुमने मुझे पहचाना कि नहीं पहचाना? क्या कहा, नहीं पहचाना? बताओ, इतनी सी हुआ करती थी ये, गोदी में खिलाया इनको, कितनी सूसू की है तुमने मेरी गोदी में, और तुमने मुझे नहीं पहचाना? शादी लायक हो गई है? लड़का वड़का देखा कि नहीं देखा इसके लिए? अरे बेटा, ये वही क्रॉप टॉप है ना जो आजकल ट्रेंड में है, और इसके साथ डैमेज जीन्स भी। ये जो नए फैशन में क्रॉप टॉप चल रहा है वही है ना ये? बहुत अच्छा लग रहा है बेटा तुम पर ये, और साथ में ये डैमेज जीन्स भी बड़ी प्यारी लग रही हो बेटा। और मैंने सुना कि तुमने अभी से अपना बिजनेस डाल लिया है, बड़ा अच्छा किया बेटा। अब ये नौकरी वोकरी तो सभी कर रहे हैं, अब तुमने अभी से अपना खुद शुरू कर दिया है, अच्छे लेवल पे पहुंच जाओ, वही अच्छा है। बड़ी खुशी हुई बेटा, मुझे तो सुन के बड़ी खुशी हुई। अरे बहन जी, यहाँ से निकल रही थी तो सोचा बच्चों का रिजल्ट पूछ लूँ। इस बार बोर्ड में इशिका के कितने परसेंट आए हैं? अच्छा 62%। मेरी बेटी के तो 98% आए हैं। अच्छा, आप एडमिशन के बारे में कुछ सोचा उसके? अच्छा है, मेरी बेटी तो जो वो गवर्नमेंट वाला एग्ज़ाम होता है ना उसी की तैयारी कर रही है, उसी में एडमिशन मिल जाएगा उसको, बस वहीं पे उसकी लाइफ सेट है। वैसे मेरी बेटी बता रही थी कि यहाँ पे एडमिशन के बाद उसे कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बस एग्ज़ाम क्लियर करना पड़ेगा, उसके बाद उसकी जॉब की जिम्मेदारी उसके कॉलेज वालों के ही ऊपर है। मैं तो ये सुनकर ही खुश हो गई कि मुझे अब कोई टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं है, सब कुछ उसके कॉलेज की जिम्मेदारी है अब। वैसे ये सब उसकी मेहनत का ही फल है। मुझे तो इतनी खुशी होती है कि मेरी बेटी ने इतनी मेहनत करी कि मुझे उसके फ्यूचर की अब कोई टेंशन नहीं है। शादी वादी तो होती रहेगी, उसकी एक अच्छी नौकरी हो जाए, अच्छे से सेट हो जाए, वही अच्छा है। आपकी बेटी का तो पढ़ाई में ध्यान ही नहीं है। एक काम करो ना, इसकी लड़का देखना शुरू कर दो। कहो तो मैं बताऊँ, ये अंदर गई आपकी बेटी थी? नमस्ते नहीं गए इसने? दिखाओ, नमस्ते वमस्ते करना सिखाओ बहन जी। मेरा तो कुछ नहीं है, लेकिन लोग आते हैं ना तो मुंह चलाते हैं, अच्छा नहीं लगता। नमस्ते करना तो सिखाओ इसे। और ये ऐसे ही बाहर जाती है हमेशा इतनी टाइट जीन्स पहन के, और टॉप भी इसका कितना छोटा था। नहीं बहन जी, माहौल बड़ा ख़राब है, ऐसे कपड़ों में मत घुमाया करो। मैं तो अपनी बेटी को सलवार सूट ही पहनाती हूँ, बस उसी में बाहर जाती है। क्या कहा, आपको कोई दिक्कत नहीं है? वो आपकी मर्ज़ी, वैसे इतने छोटे छोटे कपड़े पहनती है, अच्छी बात नहीं है ये। मैं तो अपनी बेटी को सलवार सूट के अलावा कुछ नहीं पहनाती, यहाँ तक कि टाइट वाली प्लाजो भी नहीं सिलवाती मैं उसकी, सिर्फ सलवार और कुर्ता, वो भी दुपट्टे के साथ। अच्छा, ऐसे कपड़े वपड़े पहनती है, नमस्ते वमस्ते भी नहीं करती है, तो पढ़ाई वढ़ाई में ध्यान है इसका या कहीं और लगी हुई है? अरे बेटा, कल ना मैंने तुम्हें मॉल में देखा था एक लड़के के साथ। कौन था वो? बॉयफ्रेंड था ना तुम्हारा? अरे बेटा, शर्माने वाली क्या बात है इसमें, मैं तो तुमसे थोड़ी ही बड़ी हूँ, और वैसे भी तुम्हारे अंकल के साथ मेरी लव मैरिज ही तो हुई है, सब पता है मुझे इस बारे में। बाय द वे बेटा, यू बोथ लुक्ड क्यूट टुगेदर। तेरे अंकल और मैं भी उन दिनों ऐसे ही मिला करते थे तुम लोगों की तरह, छुप छुप के। हाय, वो दिन भी क्या दिन थे। अब तो शादी हो गई है, सच कहते हैं लोग शादी के बाद तो सब बोरिंग हो जाता है, अब तो ना घुमाने ले जाते हैं ना कहीं और। चलो कोई बात नहीं, बाय द वे बेटा, नेक्स्ट टाइम अगर वो तुम्हारे साथ दिखा मुझे तो मुझे वहीं पे पार्टी चाहिए तुमसे। अरे भाभी, आपकी बेटी तो बहुत बड़ी होगी, शादी वादी का सोचा? लड़का वड़का देखा कहीं या नहीं देखा? अच्छा नहीं देखा तो मैं किस लिए हूँ? बहुत अच्छा हुआ जो नहीं देखा अभी तक, एक से बढ़कर एक रिश्ता है मेरे पास, पूरी जिंदगी राज करेगी राज, करोड़ों में खेलेगी आपकी लड़की, कोई काम नहीं करना पड़ेगा, नौकर चाकर तो आगे पीछे घूमेंगे इसके, इतने अच्छे अच्छे रिश्ते हैं ना भाभी, सही उम्र है इसकी, इसी उम्र में शादी कर दो, उम्र ढलते देर थोड़ी लगती है, ऐसे रिश्ते बार बार नहीं आते हाथ में, यूं निकल जाते हैं। अरे आपका लड़का भी है? इसके लिए लड़की वड़की देखी नहीं देखी? इसके लिए भी नहीं देखी? चलो अच्छा है, इसकी जिम्मेदारी भी अब मेरे ऊपर, एक से बढ़कर एक संस्कारी लड़कियों के रिश्ते हैं मेरे पास बहन जी, आपके लड़के के लिए। बहन जी अब तो आप बेफिक्र हो जाइए, आपकी लड़की की और आपके लड़के की दोनों की शादी की जिम्मेदारी मेरी। अभी बस मैं घर पहुँच रही हूँ, घर पहुँचते ही बिट्टू के पापा से इन दोनों के लिए फोटोज व्हाट्सएप करवाती हूँ मैं।
नमस्ते बहन जी, वो आज बारिश हो रही थी तो बिट्टू के पापा ने बोला पकौड़ियाँ बना लो, लेकिन आलू ही खत्म हो गए। वो चार पांच बड़े बड़े आलू मिल जाते ना तो मैं पकौड़ियाँ बना लूंगी। और हाँ बहन जी, दो प्याज भी डाल लाएगा और चार हरी मिर्च भी। वो बहन जी, थोड़ी चीनी खत्म हो गई थी, थोड़ी दे वो भी दे दीजिए। वो बहन जी, पकौड़ियों में डालने के लिए नमक तो है ही नहीं, थोड़ा सा नमक भी दे दीजिए। वो बहन जी, थोड़ी सी पत्ती दे दीजिए, मेहमान बैठे हुए घर पे और मैं मार्केट ही नहीं जा पाई, थोड़ी सी पत्ती दे दीजिए। सॉरी बहन जी, मुझे बार बार यहाँ मांगने अच्छा थोड़ी लगता है, लेकिन क्या करूँ, अभी खाना बनाने जा रही थी और गैस ही खत्म हो गई तो मैंने सोचा आज मैं कुछ नहीं मांगूंगी, सीधा मैं यहीं चली आई, यहीं से सब्जी और रोटी बनाकर घर ले जाऊंगी। तो बेटा बताओ, व्हाट इज हैपनिंग इन योर लाइफ? लास्ट टाइम हम जब मिले थे तब तुम 12th में थी शायद, है ना? उसके बाद कॉमर्स लिया था तुमने। ओके, ग्रेजुएशन हो गया है कंप्लीट। अब क्या कर रही हो बेटा तुम आगे? यूट्यूब? नहीं बेटा, हॉबी नहीं पूछ रही हूँ मैं तुम्हारी। तुम काम के लिए क्या कर रही हो? क्या यही तुम्हारा काम है? बेटा मम्मी मम्मी को पता है ना इस बारे में? क्या वही तुम्हारी हेल्प भी करती है इसमें? बेटा आई थिंक कि तुम गलत संगति में पड़ गई हो। वैसे बेटा अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है, तुम्हारे अंकल जिस ऑफिस में काम करते हैं ना उसमें इंटर्न की ज़रूरत है। तुम कहो तो मैं उनसे बात कर लेती हूँ। तुम्हें सिर्फ 2 महीने फ्री में इंटर्नशिप करनी पड़ेगी, उसके बाद तुम वहाँ पेड भी हो जाओगी, 10,000 रुपये मिलेंगे महीने के। ओह यस, दार्जिलिंग में थी इस बार की पार्टी, आज ही सुबह आई हूँ वहाँ से। और हाँ, कल ही दुबई के लिए निकलना पड़ेगा, एनिवर्सरी जो है हमारी। ओह दिस वन, ये तो उन्होंने हमारी 9th मंथ एनिवर्सरी पर गिफ्ट दिया था मुझे। ओह दिस ईयरिंग्स, ये उन्होंने हमारी 10th मंथ एनिवर्सरी पे गिफ्ट किया था। एंड दे आर मेड्स ऑफ प्योर डायमंड्स। ओह ये साड़ी, ये तो वो अभी दिल्ली गए थे ना तो वहाँ से मेरे लिए लेकर आए थे। उन्होंने स्पेशली मेरे लिए डिज़ाइन करवाई थी वहाँ के स्पेशल डिज़ाइनर से, उन्हें ना सेम चीज़ें बिल्कुल पसंद नहीं आती। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो यहीं ख़त्म होती है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। और आप मुझे नीचे कमेंट करके भी ज़रूर बताइए कि इनमें से किस टाइप की आंटी आपकी लाइफ से रिलेट करती है। और हाँ, अपनी फेवरेट आंटी के साथ इस वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। तो चलिए, अब मैं मिलती हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।